गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महेका हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास सेकेंड। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, लालच का फल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लालच बुरी बला है। जो लोग लालच में फंस जाते हैं वे बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। इस पाठ में ऐसे ही एक लालची किसान की कहानी है। आज हम लालची किसान की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम दीनू था। वह बहुत गरीब था लेकिन परिश्रमी बहुत था। वह बहुत मेहनती था। वह प्रतिदिन अपने खेत पर जाता था वह किसान रोज़ाना अपने खेत पर जाता था वहाँ पर कड़ी मेहनत करता था और वहाँ पर बहुत मेहनत करता था। एक दिन जब वह भोजन करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गया, वह भोजन करने के लिए कहाँ बैठ गया, एक पेड़ की छाया में, तभी उसने देखा कि एक सांप उसके सामने थोड़ी ही दूर पर फन फैलाए बैठा हुआ है। वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, थोड़ी दूर में सांप, वो भी किसान की साइड देखते हुए बैठा है, फन फैलाए हुए बैठा है। किसान की आहट से सांप अपने बिल में चला गया और वह किसान की आवाज़ सुनकर सांप अपने कहाँ चला गया, बिल में चला गया। तब किसान ने सोचा कि क्यों ना इस सांप के लिए यहाँ दूर रख दिया करूं। रोज़ाना दूध रख दिया करूं। दिन के बाद से किसान रोज़ सांप के लिए एक कटोरा भरकर दूध लाता और उसके बिल के पास रख देता था। वह किसान रोज़ उसके लिए क्या लाता था, एक कटोरा भरकर दूध लाता था और उसके बिल के पास रख देता था। सांप ने भी किसान की मित्रता को पहचाना और उससे दोस्ती कर ली। सांप ने किसान से, वह रोज़ दूध पीकर उसे प्रतिदिन सोने का एक सिक्का देता था। वह किसान को क्या देता था, रोज़ एक सोने का सिक्का देता था। इस प्रकार किसान धीरे धीरे धनवान हो गया। वह किसान क्या हो गया, बहुत अमीर हो गया धीरे धीरे। एक बार किसान बीमार पड़ गया। वह क्या हो गया, बीमार हो गया। वह सांप को दूध पिलाने नहीं जा सका। उसने अपने बेटे को दूध लेकर सांप के पास भेज दिया। किसान ने अपने बेटे को भेज दिया कि सांप के लिए दूध ले जाओ। मार्ग में किसान का बेटा सोचने लगा कि सांप के पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। किसान के पास क्या है, बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, क्यों ना सांप को मारकर सिक्के उसके बिल से एक साथ निकाल लूँ। वह सोच रहा था, मैं सोने के सिक्के को एक साथ निकाल लूँ तो बहुत अमीर हो जाऊँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अगले दिन किसान का बेटा फिर सांप को दूध पिलाने गया और वो अगले दिन फिर से दूध पिलाने गया। उसने सांप को मारने का निश्चय किया उसने सांप को मारने का क्या कर लिया, पक्का इरादा कर लिया। बिल के निकट पहुंचकर उसने दूध का कटोरा रख दिया। सांप के बिल के पास उसने दूध का कटोरा रख दिया और सांप का बिल से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। और वह इंतज़ार कर रहा था कि कब सांप बिल से बाहर आएगा। सांप जैसे ही दूध पीकर बिल में जाने लगा, वैसे ही मौका पाकर किसान के बेटे ने उस पर लाठी से वार कर दिया और उसके पास एक डंडा था उसने किसान के बेटे ने उसे सांप को मारने की कोशिश की। डंडे से लाठी का वार चूक गया और किसान डंडे से मार रहा था, वह चूक गया, उसमें पड़ा नहीं। सांप क्रोध से भर गया और उसे बहुत गुस्सा आया। सांप को उसने किसान के बेटे को डस लिया उसने किसान के बेटे को काट लिया सांप ने। थोड़ी ही देर बाद किसान का बेटा मर गया। जब काफ़ी देर तक बेटा घर नहीं लौटा तो किसान को चिंता हुई कि मेरा बेटा कहाँ गया, अभी तक घर नहीं आया है। वह अपने बेटे को खोजता हुआ वहाँ आया।
वह अपने बेटे को ढूंढता हुआ वहाँ आया। सांप पहले से ही क्रोधित था, सांप पहले से ही बहुत गुस्से में था। किसान को देख सांप पहले से ही बहुत गुस्से में था और उसने किसान पर झपटा और उसे भी काट लिया। किसान भी वहीं ढेर हो गया, किसान भी वहीं मर गया। इस तरह लोभी पुत्र के कारण किसान को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उसने अपने बेटे के कारण, लालची बेटे के कारण उसे भी मरना पड़ा। शिक्षा, लालच बुरी बला है। उद्देश्य, लालच ना करने की प्रेरणा देता है। लाडी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। चैप्टर फिनिश हुआ, बाय बाय।